मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो बबीता जी, आज तो आपका चेहरा बहुत खिलखिला रहा है। नहीं? अरे बबीता जी तो खिलखिलाएंगे ही ना, क्योंकि अय्यर भाई का पमरसन बबीता जी की वजह से हुआ है। अरे क्यों? बबीता कॉफी इतना जबरदस्त बनाती है ना कि अय्यर भाई की दिन की शुरुआत एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो प्रमोशन तो मिलना ही था। एक मिनट, इस खुशी के मौके को यादगार बनाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम सब इस खुशी के मौके पर अय्यर भाई को गिफ्ट दें? अरे वाह, मस्त आइडिया है। ए, प्लीज ना, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। बबीता जी आप मना नहीं कर सकते हैं, हम लोग गिफ्ट देंगे। ओके नहीं? हाँ, माते सुकम जरूरत नहीं है, हमें इस बात की खुशी है और इस खुशी का इजहार करने का तो हक बनता है। हाँ, बट इस तरह क्या कहते हो महिला मंडल? कुछ मत कहिए, हम लोगों को गिफ्ट देना है मतलब देना है। हो कि नहीं? अरे आप कुछ मत बोलिए। अरे एक मिनट बच्चों, इधर आओ। जरा सब लोग सुनो भाई, मेरी बात सुनो। सुनो भाई आप सब लोग, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। एक चीज में आप सबकी मैं जरा एक राय लेना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। हमारे माननीय अय्यर भाई को प्रमोशन मिला है, तो आप सबको क्या लगता है, अय्यर भाई को हम सबको पार्टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे मेरी बात सुनो। पार्टी की प्लानिंग है। हाँ। देखिए पार्टी देने के लिए मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरा एक छोटा सा प्रमोशन हुआ है और ये इसमें बहुत बड़ा ओकेजन नहीं है जिसको सेलिब्रेट किया जाए, इसलिए पार्टी क्या देना। बबीता जी अय्यर, छोटा ही सही पर प्रमोशन तो हुआ है ना, तो आई थिंक हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ। तो पार्टी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। हाँ बबीता, जेठालाल तुमने जबरदस्ती मेरे से पार्टी लिया है, अब देखना मैं पार्टी में तुम्हारा कैसा बैंड बजाता है। यह मेरा वादा है, माइंड इट। प्रमोशन हुआ उसका पार्टी क्या देने का, खुशी खुशी सबको मिठाई दिया तो सही मैंने। यह जेठालाल जबरदस्ती मुझसे पार्टी दिलवाना चाहता है, क्या करूँ उसका। अय्यर क्या सोचा पार्टी के बारे में? जेठालाल का बैंड बजाना। क्या बैंड? क्या हाँ नहीं बैंड से मतलब, बबीता मैं यह कह रहा था कि पार्टी में बैंड रखना है, डांस वगैरह। नहीं अय्यर, ये कोई न्यू ईयर या कोई डिस्को पार्टी थोड़ी है, साइंटिस्ट की प्रमोशन की पार्टी है। यू नो स्वीट और सिंपल होना चाहिए, बट हाँ डिफरेंट भी। हाँ करेक्ट। तो फिर बबीता एक काम करते, हम अपनी पार्टी में ना तो गाना रखते ना ही गाना रखते, हो जाएगा डिफरेंट पार्टी। अय्यर प्लीज मजाक छोड़े जरा। हाँ। देखो हमारी पार्टी से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस है, तो कुछ अलग सा सोचे प्लीज, थोड़ा समथिंग डिफरेंट। ओके ओके बबीता। अरे हाँ, अगर हम लोग इडली डोसा रसम मेदू वड़ा और रसगुल्ले की पार्टी दे तो यू नो व्हाट, बंगाली स्वीट्स और साउथ इंडियन डिशेस की बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। इट्स गोना बी फैबुलस, आई एम टेलिंग यू। गुड आईडिया बबीता, गुड आईडिया, इससे पार्टी भी डिफरेंट हो जाएगा। हाँ? तो फिर यही रखते हैं। परफेक्ट।
अरे क्या हुआ, लाइट की चालू की? टप्पू के पापा नींद नहीं आ रही है। हाँ तो सो जा। अरे भाई सोएगी तो नींद आएगी ना, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी नींद आएगी, सो जा। नहीं वो बात नहीं है। तो क्या बात है? वो क्या है टप्पू के पापा, हम सब लेडीज ने ऐसा सोचा है कि हम लोग अपनी अपनी तरफ से अय्यर भाई को कुछ गिफ्ट दे। हाँ तो? तो पता नहीं चल रहा है क्या गिफ्ट दे। हाँ तो अभी रात को क्या है, सुबह उठ के सोचना। हाँ सो जा चल। वो क्या है टप्पू के पापा, जब तक तय नहीं होता ना कि क्या गिफ्ट देनी है तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, एक काम कर, 1 से 100 तक गिनती गिन, मस्त नींद आ जाएगी, फिर सुबह एकदम फ्रेश दिमाग से सोचना तो मस्त आइडिया आ जाएगा क्या गिफ्ट देनी है। अच्छा हाँ सो जा चल। 1 से 100 तक गिनती गिन। हाँ मन में 24, 25, 26, 27, 56, 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 56
तो? अरे 56 इंच के LCD टीवी 3-4 लाख का आता है। तो? बोलो, ये रानी विक्टोरिया को 3-4 लाख की कोई कीमत ही नहीं है, बोल रही है। हाँ तो? टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं सोच रहा था आइडिया अच्छा है, लेकिन इसमें नुकसान है। किसका? अय्यर भाई का। कैसे? समझाता हूँ। देख क्या है, हम उनको ये मस्त बढ़िया सा 56 इंच का LCD टीवी दे देंगे, तो अय्यर भाई को टीवी देखने का इतना मजा आ जाएगा कि वो सुबह से शाम तक टीवी के सामने ही चिपके रहेंगे, पूरा दिन टीवी देखते रहेंगे, भजन, न्यूज, मैच, पिक्चरें, क्या उनको काम पे जाने का मन ही नहीं करेगा। तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जिस बॉस ने आज उनको प्रमोशन दिया है, वही बॉस उनको लात मार कर नौकरी से निकाल देंगे, और फिर अय्यर भाई पूरी दुनिया को कहते फिरेंगे कि ये यही है वो दया भाभी जिन्होंने मुझे गिफ्ट में 56 इंच का टीवी दिया, और उसकी वजह से आज मेरी नौकरी गई, मैं घर से बेघर हो गया। नहीं नहीं, हमें टीवी नहीं देना है, अय्यर भाई को टीवी नहीं देना है। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। अरे भोली, ये तो मेरा कर्तव्य है, आखिर मैं तेरा पति हूँ। थैंक यू। तो बताइए अभी क्या गिफ्ट देनी है? देख, गिफ्ट ऐसी देनी चाहिए जिससे गिफ्ट देने वाले को और गिफ्ट लेने वाले को दोनों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, उल्टा अच्छा लगे। वाह वाह वाह, सही कह रहे हैं। तो ऐसी क्या गिफ्ट दे? एक काम करते हैं, अय्यर भाई को हम एक मस्त साउथ इंडियन स्टाइल की सिल्क की लुंगी और एक सिल्क का शर्ट देते हैं। वाह टप्पू के पापा, क्या सोचा है? अरे ऐसा आइडिया तो किसी के भी दिमाग में नहीं आएगा, है ना? अरे कोई मूर्ति देगा, कोई परफ्यूम की बॉटल देगा, कोई चांदी का सिक्का देगा, लेकिन लुंगी और शर्ट, टप्पू के पापा आपने तो बाउंड्री के बाहर की बात कर दी, मजा आ गया सिक्स। लेकिन देख, उत्साह में आके ये आइडिया किसी को बता मत देना, वरना क्या है कि इतना अच्छा सोचा हुआ आइडिया हमारा चोरी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सबको बताऊंगी। अरे पार्टी में गिफ्ट देने के बाद बताऊंगी। गुड नाइट बॉय। सोर सोने दो। Oh my
ये क्या भीड़ है? अय्यर के प्रमोशन की खबर नोटिस बोर्ड पे क्यों लिख रहे हो? अरे पोपटलाल, पूरे सोसाइटी के लिए गर्व की बात है। अच्छा, तो जब 2 साल पहले मेरा प्रमोशन हुआ था और मैं सिर्फ पत्रकार से वरिष्ठ पत्रकार बना था, तो वो खबर तुमने नोटिस बोर्ड पर क्यों नहीं लिखी थी? ये गोकुलधाम सोसाइटी के माननीय वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल के साथ अन्याय है। अरे इसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। अरे भाई, तुम कहां आवाज उठाने की बात कर रहे हो पोपटलाल? उसमें क्या अभी लिख देता हूँ या नीचे लिख दूं? क्या फायदा, तुम्हें आज भूख लगती है तो 2 साल बाद खाना खाओगे? ये कैसा उदाहरण है? बिल्कुल सही उदाहरण है। मेरा प्रमोशन 2 साल पहले हुआ था, उसकी शुभकामनाओं की खबर आज नोटिस बोर्ड पर लिखने का कोई फायदा नहीं। पोपटलाल अभी जाने दो ना, हो गई गलती भाई, सॉरी, अभी लिख देता हूँ ना। नहीं नहीं, रहने दो, अगली बार याद रखना। पोपटलाल अभी लिखने दो ना, अगली बार पता नहीं प्रमोशन होगा, मतलब कब होगा मालूम नहीं है ना। तरक्की कुमार आ गए। अय्यर भाई, इंगे वा, इंगे वा। अय्यर भाई, आइए आइए आइए। साइंटिस्ट साहब, प्रमोशन होने के बाद की आपकी आज पहली सुबह, तो कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे शादी के दूसरे दिन दूल्हे को लगता है। ये सब छोड़िए, देखिए मैंने भिड़े से कहकर आपके प्रमोशन की खबर नोटिस बोर्ड पे लिखवाई है। तुमने थैंक यू पोपटलाल, लेकिन ये अधूरा है। क्या मतलब? इसके नीचे लिखो कि यह खुशी के मौके पर आज शाम को गोकुलधाम सोसाइटी में एक पार्टी रखी गई है और उस पार्टी का सारा खर्चा मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर करेगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। ओ बात वाले, आपका प्रमोशन होके 2 साल हो गए, तो आपकी पार्टी कब है? हाँ, इसके नीचे लिख दो तारीख, आज कल परसों, कब की तारीख लिखू? क्या क्या टाइम क्या हुआ बेटे? तुम्हारी बातों में हमेशा मुझे लेट हो जाता है। चलो मैं चलता हूँ, शाम को पार्टी में मिलते हैं। अरे पोपटलाल, ओए डेट तो बताओ। अरे बात सुनो, अरे देखा, खुद की पार्टी की बात ही नहीं तो खिसक गया। चल आजमारम, मेरे को भी अभी बहुत काम है, पार्टी की पूरी तैयारी करनी है, मेरे ऑफिस के फ्रेंड को भी इनवाइट करना है, प्लीज मैं भी चलता हूँ, है ना? नो प्रॉब्लम, आप अपनी पार्टी की तैयारी करो, हम पार्टी में आने की तैयारी करते हैं। चलो चलो चलो, बाय 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 बाय। अय्यर, मैं चाहती हूँ कि ये पार्टी ऐसी हो ना कि सारे गोकुलधाम वाले बोले कि पार्टी हो तो अय्यर की पार्टी जैसा हो, वरना ना हो। मतलब? अरे मतलब तुम्हारी पार्टी भी जेठा जी के मूछों जैसे शानदार हो, ताकि लोग उसकी मिसाल दें। बबीता, जयड़ालाल की मूछ और पार्टी का क्या लेना देना है? इनफैक्ट मेरे को तो पार्टी देने का मूड ही नहीं है। अरे प्रमोशन हुआ है इसलिए मिठाई तो बांटा ना, अब पार्टी भी देने का? जयड़ालाल ने तो मेरे को फंसा दिया। अय्यर, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते, इसलिए हमें जेठा जी को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम ये पार्टी दे रहे हैं। एंड इनफैक्ट यू नो व्हाट, मुझे ये लगता है कि हमारे गोकुलधाम की सारी पार्टी जैसे अपने आप में स्पेशल होती है ना, आई वांट कि हमारी ये पार्टी भी बहुत स्पेशल हो। करेक्ट बबीता, पार्टी तो देनी चाहिए, फिर प्रमोशन भी ऐसा रोज रोज थोड़ी होता है। यस, ठीक है बबीता, हम लोग पार्टी देंगे और बहुत अच्छा पार्टी देंगे। Yes, that's great. Now that's the spirit. चलो अब हम ये सोचते हैं कि हमें हमारी पार्टी में क्या डेकोरेशंस करने हैं। पार्टी में डेकोरेशन अभी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बबीता आंटी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर अंकल, बबीता आंटी, पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी। ठीक है, पार्टी में जमकर खाने के लिए मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अय्यर अंकल, पार्टी में क्या मेनू है? गली, तुमको रात को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अय्यर अंकल, खाना तो पक्का है ना? अरे, क्योंकि मम्मी रात को कुछ खाने में बनाने नहीं वाली है। हाँ गोली, खाना पक्का है, भर पेट खाना, ठीक है? वैसे अय्यर अंकल, आपको कोई काम हो तो हमें बताना। हा? अरे हाँ, काम तो है। टपू सेना से क्या काम है? अय्यर, टपू सेना हमें हमारी डेकोरेशंस के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दे सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, हाँ हमको हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए हमको। हाँ तो बिंदास बोलिए, क्या काम है? बोलिए 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 बोलिए। तुम लोग नीचे ही खड़े रहो, मैं 1 मिनट में नीचे आता हूँ। चलो बबीता। टपू सेना, हमको तुमसे एक हेल्प चाहिए। हाँ ये अंकल बताइए, टपू सेना सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। टपू, आज रात को हम लोग पार्टी दे रहे हैं ना, तो इसलिए सोच रहे थे कि पार्टी में क्या डेकोरेशन करें। नहीं कुछ भी ऐसा डिफरेंट दिमाग में आता नहीं है। तो तुम लोगों के पास अगर कोई अच्छे डेकोरेशन के आइडिया हो तो प्लीज जरा बताओ ना। डेकोरेशन? अरे उसमें क्या सोचना,
पूरी कोकोज को फूलों से सजा दो। और अय्यर अंकल कुछ नया करना हो तो आपकी जब पार्टी में एंट्री हो तो आप पर फूलों की बरसात करा देंगे, कैसा लगा आइडिया? टापू मेरा शादी नहीं है जो फूलों का बारिश कर दोगे। तो अय्यर अंकल एक काम करते हैं, पूरी सोसाइटी में दिए जला देते हैं, तोरण लटका देते हैं और आपके घर के बालकनी में स्पेशल डिस्को लाइट जला दो। बल्ले 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 बल्ले। ए गोगी, मेरे प्रमोशन का पार्टी है, दिवाली नहीं है। फ्रेंड्स, अय्यर अंकल साइंटिस्ट हैं, तो हमें डेकोरेशन भी उसी टाइप का करना चाहिए। एग्जैक्टली सोनू। अय्यर अंकल हम आपको जल्दी कुछ सोच के बताते। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ तो बोलो ना। बोलो बोलो। वो तो आपको आज रात में पता चलेगा, लेकिन अय्यर अंकल थोड़ा खर्चा होगा। थोड़ा थोड़ा मतलब कितना खर्चा होगा? टप्पू तुम खर्चे की बिल्कुल टेंशन मत लो, ओके? जस्ट डू इट। ओके। एंड मेक श्योर के डेकोरेशन एकदम फैबुलस हो, ओके? ओके। तो अभी आप टप्पू से लगा कमाल लेको। चलो फ्रेंड्स, बहुत काम है। चलो चलो। बोलिए बोलिए मेहता साहब, सुबह सुबह कैसे याद किया? अरे भाई तुम्हें थैंक यू कहने के लिए फोन किया है। थैंक यू क्यों? अरे भाई थैंक यू इसलिए कि तुम्हारे कहने की वजह से अय्यर पार्टी देने को तैयार हुआ है। अगर तुमने जबरदस्ती नहीं की होती तो अय्यर पार्टी थोड़ी देता। और मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि शाम को पार्टी में तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे। इसलिए जल्दी से सारा काम निपटा के ऑफिस से सीधा पार्टी में आ जाऊंगा। तुम भी दुकान से जल्दी आ जाना, आज पार्टी में लेट नहीं करना बिल्कुल। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं दुकान से फटाफट घर आ जाऊंगा। आज तो अय्यर भाई की पार्टी में जीप भर के मजा लूटना है। और हाँ जेठल, शाम को पार्टी में थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि देखो तुम्हारे जबरदस्ती पार्टी लेने की वजह से अय्यर वैसे ही तुमसे चिढ़ा हुआ है, इसलिए शाम को कोई तुम पे रॉकेट ना छोड़ दे। अरे छोड़ने दीजिए उनको रॉकेट, हाँ भी कच्ची मारू अय्या, उनके छोड़े हुए रॉकेट की घड़ी वाड़ के उनके ही पॉकेट में ऐसे रख दूंगा कि उनको पता ही नहीं चलेगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि बस थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो शाम को लेट मत करना, मिलते हैं शाम को फिर। ओके ओके, आज की शाम अय्यर भाई के नाम। हाँ चलो ओके। हाय इंद्राणी, लिसन, आज रात को तुम्हें हमारी सोसाइटी में आना पड़ेगा। अय्यर का प्रमोशन मिला है ना, उसके खुशी में एक पार्टी है। नो नो नो, नथिंग डूइंग, यू हैव टू कम हियर, ओके? रमानी, रमानी, गुड न्यूज़ है, मेरे को प्रमोशन मिला है। हाँ, और इसी खुशी में मैंने हमारी सोसाइटी में एक छोटा सा पार्टी रखा है, तुमको जरूर आना है। नहीं नहीं जरूर आना है, ओके? हाय देविना, शोन शोन शोन, आज रात को तुम्हें हमारी सोसाइटी में आना पड़ेगा। अय्यर के प्रमोशन की पार्टी है, यू हैव टू कम, ओके? कुलकर्णी, नथिंग डूइंग कुलकर्णी, नहीं मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुमको पार्टी में आना ही पड़ेगा। कुलकर्णी नहीं आ पाएगा ऐसा बोलता है। नहीं नहीं नहीं, उसको बोलो आना पड़ेगा। देखो कुलकर्णी, अगर ये तुम नहीं आए ना तो मैं और बबीता तुमसे बात नहीं करेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू, तो फिर आ रहे हैं। हाँ ओके ओके, आ रहा है, आ रहा है। लवली बबीता, सबको इन्विटेशन देकर हो गया। You know what? I'm super excited about the party. तो मैं जाके decide कर लेती हूँ कि मुझे रात को क्या पहनना है, okay? Okay. बहुत मजा आएगा। अभिता, you are right. आज पार्टी में बहुत मजा आने वाला है। मैं जयदालाल के साथ ऐसी मस्ती करने वाला हूँ कि उसको सोसाइटी में खड़े खड़े ब्रह्मांड के सारे तारे नजर आ जाएंगे। Yes. दोस्तों, शेर कभी घास नहीं खाता, मछलियां कभी पेड़ पे नहीं चढ़ती, लेकिन गोकुल धाम में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ना, जेठालाल की मस्ती रंग लाई है और अय्यर दिल पे पत्थर रखकर इसे लेकिन पार्टी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो जेठालाल की इस मस्ती के लिए उन्हें सबक सिखाने के लिए बेताब है। उनके सर पे जेठालाल को सबक सिखाने का भूत चढ़ा हुआ है। अब देखना यह है कि कल क्या होता है गोकुल धाम में, एक तरफ पार्टी का तो दूसरी तरफ जेठालाल और अय्यर के बीच इस मस्ती का माहौल है। अब क्या होगा, क्या अय्यर जेठालाल के लिए कोई मुसीबत लेके आएंगे या खुद मुसीबत में फंस जाएंगे? भाई मेरा पुराना अनुभव ये कहता है कि दोनों जब टकराएंगे तो ठाक ही होंगे आपके घरों में। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.